हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज मेरे सामने एक एरर आया है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्विक हिल प्रो इंस्टॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज 7 सर्विस पैक 1, प्लीज़ इंस्टॉल KB N KB44, ये करके एक एरर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप अपना सकते हैं और 100% क्विक हिल प्रो को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, जो वहाँ पर कोड था उस कोड को यहाँ पर सिंपली लिख देना है, जैसे देख सकते हैं, और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। कोड को लिखने के बाद जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे दोस्तों, वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं आपका 64 बिट है तो 64 बिट को सेलेक्ट कीजिए, या 32 है 32। यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा 64 बिट के विंडोज 7 का। ये मैंने डाउनलोड पे यहाँ चलिए क्लिक कर देता हूँ। ये देख सकते हैं KB वाला एरर जो है, यहाँ पर एरर लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। इसे डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सामने देख सकते हैं URL खुला है। इस URL को हमें क्लिक करना है सिंपली। ये तो चलिए इस लिंक को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक खुला हुआ है, इस लिंक को मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं एक फ़ाइल डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए इस फाइल को डाउनलोड होने देते हैं अपन। डाउनलोड होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो जैसे कि देख सकते हैं फ़ाइल डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर इसे राइट क्लिक करेंगे दोस्तों हम, और यहाँ पर हमें शो इन फोल्डर को क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली इसे हमें राइट क्लिक करके ओपन कर देना है। राइट क्लिक किया मैंने और ये ओपन कर देंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ओपन का, इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं। ये ओपन किया और ये फाइल जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, सेकेंड वाले को भी जो एरर था KB वाला, उस एरर को भी गूगल पे लिखना है और डाउनलोड कर लेना है। बट मैं दोनों को करके आपको दिखा देता हूँ उसके बाद क्या होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यस करके, तो यहाँ पर यस लिख दिए कि आपका सिक्योरिटी अपडेट हो गया है। देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर रीस्टार्ट और क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ, तो हम इसे अभी क्लोज कर देंगे, सेकेंड वाले के टाइम हम रीस्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं क्लोज को सेलेक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आपको रीस्टार्ट करना है या क्लोज करना है। तो हमें यहाँ पर इसे क्लोज को सेलेक्ट करेंगे और सेकेंड वाले को भी सेम प्रोसेस करना है हमें ना। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड जो एरर था KB वाला, उसे भी यहाँ पर लिख के एंटर मार देना है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है दोनों एरर का। ये देख सकते हैं यहाँ पर फिर से मैं जाऊँगा और यहाँ पर विंडोज़ 64 बिट को हमें सेलेक्ट करना है, जो राइट में डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है दोस्तों। देख सकते हैं अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये एक अलग ही पेज खुल जाता है जहाँ से आपका डाउनलोड नहीं होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एरर के बाजू में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक URL खुल गया है। फिर से आपको इस लिंक को क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो रहा है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली आपने जैसे पहले इंस्टॉल किया था राइट क्लिक करके ओपन करके, वैसे ही आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा और रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है प्रोसेस। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं सिंपली ये यहाँ पर जो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था क्विक हिल का, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है इंस्टॉलेशन का। तो देख सकते हैं आप, अब चाहें तो आप अपना क्विक हिल प्रो आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं ना। यहाँ पर इंस्टॉल का मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, लेट्स स्टार्ट को। तो देख सकते हैं दोस्तों ये इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।